नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। हर मनुष्य का सोने का तरीका एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार हर इंसान का बोलने का तरीका भी अलग ही होता है। जानिए किस प्रकार सोने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं करवट लेकर सोना। जो लोग एक और करवट लेकर ही सोते हैं वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने उत्साह और प्रयासों में कभी कमी नहीं करते और इस वजह से जो काम हाथ में लेते हैं उसमें उपलब्धियां हासिल करते हैं। इस प्रकार सोने वाले व्यक्ति को अपने कर्म के बल पर सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं सोने से पहले पैर हिलाने वाले लोगों की। कुछ लोग सोने से पहले पैर हिलाते हैं लेकिन ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को सदैव कोई ना कोई चिंता सताती रहती है। ये स्वयं से ज्यादा परिजनों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं शरीर सिकोड़कर सोने वाले लोगों की। ऐसे लोग डरपोक होते हैं। इनके मन में असुरक्षा की भावना होती है। इन्हें एक अनजाना सा भय अनुभव होता रहता है। ये लोग ये बात किसी को बताते नहीं है। इन्हें अनजाने लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं होता। ये अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को नशे की लत लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। कभी कभी ये डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो लोग चित होकर सोते हैं। अगर आपको केवल सीधे लेटकर नींद आती है तो ये शुभ लक्षण है। आप केवल आत्मविश्वासी ही नहीं आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी भी है। ऐसे लोग समस्याओं का समाधान तुरंत कर देते हैं। ऐसे लोग परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं। कुछ भी बड़ा काम करने से पहले इन लोगों की राय जरूर ली जाती है। ये परिवार, समाज, दोस्तों व रिश्तेदारों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो लोग पेट के बल सोते हैं उनकी। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों में अनजाने भय की भावना होती है। ये किसी भी प्रकार का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अपनी गलती को अच्छी तरह जानते हैं पर बतलाते हुए डरते हैं। जीवन में कई बार इन्हें धोखा मिलता है, इसलिए ये बहुत ही सोच समझकर किसी से दोस्ती करते हैं। पैसों के मामले में भी कई बार ये धोखे का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दोनों हाथ और पैरों को फैलाकर पीठ के बल सोने वाले लोगों की। जो लोग दोनों हाथ और पैरों को फैलाकर पीठ के बल सोते हैं वे लोग अपने कार्यों को पूरी स्वतंत्रता के साथ करना पसंद करते हैं। इन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने का मोह रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कमर पर दबाव डालते हुए सोने वाले लोगों की। सोते समय इस अवस्था को अपनाने वाले व्यक्ति जिंदगी को लेकर उत्साहित रवैया अपनाते हैं और सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी का भाग बनाते हैं। अचेतन मन द्वारा ऐसे लोगों को इसी विशेष मुद्रा में पहुंचा दिया जाता है जो उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीठ के बल सोना और पैरों की क्रॉसिंग पोजीशन के बारे में। जो लोग पीठ के बल सोते हैं और पैरों को क्रॉसिंग पोजीशन में रखते हैं वो हर काम पागलपन की हद तक करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जिससे आप इंसान के सोने के तरीके से उसके नेचर के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।